तो अभी हम इधर से होकर के आए थे, अभी हमने इधर का देखा था, अब हम यहाँ राइट साइड में जा रहे हैं। और ये एंटर करके हम आ चुके हैं इधर, और ये भी अपने आप में एक अलग व्यू है। एंड देखो ये है, वहाँ आगे जाकर के भी कुछ है, वो रहा वहाँ से कुछ आगे है। एंड लेट्स सी, बाकी अभी हम जो है नीचे जाएंगे शायद से, जो सामने वाला जो है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्या ये मेन महल है ये, और सामने दरगाह है, तो हम शायद से दरगाह नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे 2 घंटे जो है पूरे होने वाले। पूरा का पूरा अंदर काला काला हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से हो जाता है उस साइड। एंड माय गॉड, फुल हॉन्टेड वाइब्स, बदबू भी आ रही है बहुत गंदी सी, आई डोंट नो व्हाई। ये यहाँ पर है, यहाँ पर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ओ माय गॉड, यहाँ पर बहुत गंदी बदबू है सही में। यू कैन स्टे हियर, मे बी दिस वॉज द बेथिंग एरिया और समथिंग लाइक दैट। ये काफ़ी डार्क है, ये बहुत गंदी बदबू आ रही है यार यहाँ से, तो आई कैन स्टे हियर, लेट्स गो इन ओपन। तो अभी हम इधर से होकर के आए थे, अभी हमने इधर का देखा था, अब हम यहाँ राइट साइड में जा रहे हैं। और ये एंटर करके हम आ चुके हैं इधर, और ये भी अपने आप में एक अलग व्यू है। एंड देखो ये है, वहाँ आगे जाकर के भी कुछ है, वो रहा वहाँ से कुछ आगे है। एंड लेट्स सी, तो अब यहाँ से हम इसके लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। एंड ये यहाँ पर एक और है, तो क्योंकि थोड़ा सा फॉग है इस वजह से विजिबिलिटी इतनी भी बढ़िया नहीं है, पर इट्स ओके। एंड ये कुछ यहाँ नीचे है, दैट इज अबाउट द हाइट। ये देखो, ये मैं हूँ और ये बस इतना है अगर आप चढ़ोगे, वरना इट्स ऑफ ओके हाइट, अबाउट लाइक 7 फुट समथिंग लाइक दैट। एंड ये यहाँ से देखो, क्या बढ़िया व्यू आ रहा है ये, मतलब ऐसे मौसम जिसमें काले काले बादल छाए हुए हैं 12 बजने के बाद भी, और आपको ऐसा व्यू मिल जाए तो मेरे पास और कुछ शब्द ही नहीं है बयां करने को, बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस व्यू। ये स्पेसिफिकली क्योंकि ग्रीनरी अच्छी है, और ये पूरा ऐसे डायनामिक रेंज, ओह माय गॉड। ये देखो, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, इस वाले का ये डिस्क्रिप्शन है, द ज्वेल हाउस दीवान ई खास, और ये इसका हिंदी डिस्क्रिप्शन है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है अंदर इसमें, शायद से कुछ शॉपिंग का ही होगा इस वजह से, मेरे को नहीं जाना, आई डोंट वांट टू डू एनी शॉपिंग। ये हम और एक्सट्रीम साइड में आ गए। अच्छा, ये कुछ शॉपिंग का नहीं है, ये एक्चुअली में ऊपर है, देख चलो देखते हैं अंदर चल कर के, ऐसा कुछ है, देखो ऐसा है कुछ, ये वेरी नाइस बट
अभी हम चल रहे हैं इस साइड, तो बाउंड्री से बाहर का देखने का व्यू ही कुछ और होता है। तो आई थिंक ये वाला जो है, दिस इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, मतलब यहाँ पर आप नहीं जा सकते। एंड वी कैन सी सम स्विमिंग पूल समथिंग लाइक दैट, मगरमच्छ तो नहीं रहते थे यहाँ पर। अच्छा, और ये यहाँ से बाहर का वो व्यू आ रहा है फॉरेस्ट का जो मैं आपको बता रहा था वहीं पर। ओके, तो ये जो है खजाना करके इस वाले स्पेसिफिक प्लेस का नाम है, और ऐसा होता था कि ये जो था पूरा का पूरा महल, ये हड़प्पा करके किसी सिविलाइजेशन का था, जिसके ऊपर जब इन्होंने इन्वेड करा मुगलों ने, तो उन्होंने इसके ऊपर इन्वेड करने के बाद इसके ऊपर ये अपने मॉन्यूमेंट्स बना दिए। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं प्रॉबेबली समथिंग वे हेयर, यहाँ पर जो रानियों का वो होता था खजाना, वो यहाँ पर रहता था। तो वो सब खजाना मुगलों ने लूट लिया और अपने मॉन्यूमेंट्स बना दिए। ये जो एंट्रेंस थी जहाँ से हमने एंट्रेंस करा था, तो यहाँ पर ये देखो ये बगीचा है, यहाँ पर भी व्यू है, पर आई थिंक ये पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर आप नहीं घूम सकते हो, वरना एक दो तो लोग दिख ही जाते इधर। हाँ, तो ये रिस्ट्रिक्टेड है, इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। काफ़ी ऐसी चीज़ें मतलब देखो जहाँ पर आप नहीं जा सकते हो, जैसे जो ऊपर चढ़ने वाले हैं, काफ़ी हद तक चढ़ने वाले जो हैं बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है, सारे रिस्ट्रिक्टेड हैं ये। और बाकी अभी हम जो है नीचे जाएंगे शायद से, जो सामने वाला जो है ये मैं आपको बता देता हूँ क्या, ये मेन महल है ये, और सामने दरगाह है, तो हम शायद से दरगाह नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे 2 घंटे जो है पूरे होने वाले हैं या हो चुके हैं, तो इसलिए अभी हम नीचे ही जाएंगे। एंड या जल्दी से चलते हैं नीचे। अच्छा, तो टर्न्स आउट ये जगह आप जा सकते हो, पर यहाँ पर ज़्यादा लोग थे नहीं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। ये क्लॉक रूम है, अमानती घर, तो ये यहाँ पर है। और फूल पत्ती बिल्कुल भी मत तोड़ना है जो बगीचा ले रही है, यहाँ पर आप जा ज़रूर सकते हो, बट देखो वो वहाँ पर है, मैंने नोटिस नहीं करा, लोग हैं तो यहाँ पर आप जा सकते हो। ये जब आप बाहर निकल जाओगे तो एंट्रेंस से ही आपको वो गाइड कर देंगे कहाँ से जाना है, वैसे बहुत ईजी है, बाहर निकलते ही लेफ्ट में ले लोगे तो आपको याद आएगा। काफ़ी बढ़िया, उस साइड चलते हैं देख करके कि यार क्या है। तो यार ये तो जाते ही जाते जा रहा है नीचे, मतलब मैं तो सिर्फ यहाँ के जाने वाला था, तो और भी नीचे जाए जा रहे हैं, देखो और भी नीचे जाए, तो यहाँ से भी नीचे जा रहा है, ओह माय गॉड। सो ये यहाँ का व्यू है, यहाँ से आगे जा रहा है, एंड यहाँ से देखते हैं यार और कितना आगे, जल्दी देखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि अपना सब पीछे वेट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है ये, आई डोंट नो ये किस चीज़ के लिए था। और यहाँ से भी एंट्रेंस है, यहाँ से भी और आगे जा सकते हैं, मतलब हद है भाई, इतना बड़ा है ये तो, ओ भाई साहब क्या बढ़िया व्यू है यार ये, ये देखो ये तो यहाँ से जाए जा रहा है बस, वाह। चलो सबको बुला कर ही लाते हैं, यहाँ से पार्क उस साइड तक दिख रहा है सामने, एंड काफ़ी बढ़िया है यार व्यू, मतलब फॉग इज एडिंग टू इट्स व्यू। और देखो मतलब वो उस साइड है जहाँ पर अभी हम गए थे, वहाँ से ये वाला व्यू नहीं दिखेगा क्योंकि ये वाला साइड जो है, जो ये वाला साइड है ये रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसलिए आपको नीचे ही आना पड़ेगा। मेरे को लगा कि इतना नीचे है, एक तो कोई आया नहीं, तो मेरे को लगा रिस्ट्रिक्टेड है, पर ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। हाँ, हालांकि ऊपर वहाँ पर कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं जो टॉप में हैं, जो ऐसा मैंने बताया, बट दिस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड एट ऑल, एंड इट हैज़ क्वाइट अ वेरी नाइस व्यू। सो या अभी बज रहे हैं 12:35, और अब जा कर के थोड़ी सी धूप निकली है,
देखो वो भी वापस से चली गई। देखो धूप निकल रही है अब जा करके, थोड़ी सी तो कोहरा कम हुआ है, मतलब बताओ ऑलमोस्ट 1 बजे जा करके जो कोहरा है वो खत्म होना शुरू हुआ है। तो अभी हम दरगाह जा रहे हैं, बस जो है फ्रंट व्यू देखेंगे इसका जा करके, और क्योंकि यहाँ पर अभी हमें वैसे ही 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं तो ये बस देखते ही हम निकलेंगे। तो एक और बात बता दूँ मैं कि यहाँ पर जो प्राइसेस हैं, जो चार्जेस हैं 50 रुपये वाले, वो सिर्फ और सिर्फ महल के लिए हैं, दरगाह के लिए कोई प्राइसेस नहीं है, दिस इज कम्प्लीटली फ्री। तो कुछ है ये दरगाह, बट आई थिंक इसके लिए टाइम चाहिए एंड या लेट्स गो इनसाइड मे बी, या फिर हम यहाँ फ्रंट से ही निकल जाएंगे। तो एट द एंड हम एंट्री कर ही रहे हैं अंदर, पापा बाहर हमारा वेट कर रहे हैं, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। ये है भाई, वाह, लुक्स वेरी वेरी फैमिलियर। Right.